सो गाइस फर्स्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे हम आए हैं वो खाने हैं पूरन जी की कचौड़ी एंड काफ़ी फेमस है ये 1963 से। तो ये इनके ओनर हैं। यूजली यहाँ पे बाहर कचौड़ियाँ तलते थे लेकिन कोविड के चक्कर में इन्होंने ये इंडोर कर दिया टू मेंटेन द हाइजीन फैक्टर। यहाँ पे बड़ी यूनिक चीज़ मिलती है कचौड़ी विद दही। आपने कचौड़ी विद कड़ी विद आलू की सब्जी तो खा रखी होगी लेकिन मैं भी पहली बार कचौड़ी विद दही खाने आया हूँ। वो जो दही भी है देखो कितनी मोटी परत जमी हुई है फैट की मलाई की। तो हम गोविंद पोसवाल जी के साथ है, ये ओनर है। अब कौन सी जनरेशन है सर यहाँ की? थर्ड जनरेशन है। तो बताइए ये जो चलन है हींग वाली कचौड़ी का दही खाने का ये कब से चला है? सर शुरू से ही अपने यहाँ पर तो दही से। एक्चुअली क्या ये कचौड़ी का जो मसाला होता है उसको दही न्यूट्रलाइज करता है। अच्छा। अपने स्टमक के लिए हींग और दही दोनों जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बेटर होता है डाइजेस्ट के लिए भी और वैसे भी। तो ये सही कह रहे हैं कि जो मैदे की कचौड़ी होती है ना एक तो पेट भर देती है लेकिन जो हींग और दही है दही जो होता है उसमें आपके प्रोबायोटिक होता है हाजमा ठीक करता है और हींग भी हाजमा ठीक करता है। तो ये खाने के बाद ये कॉम्बिनेशन शायद आपका पेट चले ना या फिर कुछ अगर पेट कमज़ोर है तो दिस इज़ गुड फॉर यू। एंड अब खा के देखते हैं कि एक्चुअल में टेस्ट कैसा है। उससे पहले चलते हैं पीछे किचन में और देखते हैं कि कैसे कुकिंग हो रही है। सो गाइस ये बन रही है कचौड़ियाँ एंड ये उसका जो मैदा है उसको गूंद रहे हैं एंड काफ़ी गूंदना पड़ता है इसको काफ़ी बार तब वो एक कंसिस्टेंसी आती है। तो ये देखिए ये मसाला ऐसा भरा जाता है इसमें कचौड़ी में। ये मसाले में क्या क्या जाता है इसके अंदर? अच्छा सौंफ धना काली मिर्च लौंग हींग। कचौड़ी की जो परत होती है वो काफ़ी मोटी होती है। समोसा तो 5-10 मिनट में तला जाता है कचौड़ी तलने में कम से कम 20 से 40 मिनट लगते हैं डिपेंडिंग है क्या टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। तो आधा घंटा लगता है इसको तलने में। तो देखिए गाइस शुरुआत से देख रहे हैं कि ये मावा कैसे बनाते हैं। तो इसका कितना मावा बनेगा? कितने लीटर दूध का कितना मावा बनता है? 1 किलो में 250 ग्राम तो 1/4 रिड्यूस होता है। और ये भैंस का दूध है तो ये मैं पहली बार देख रहा हूँ मावा बनते हुए। देखो ये देखो प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो रहा है। कितना टाइम लगता है इतना मावा बनाने में? 5-7 मिनट लगते हैं। सो गाइस पहली बार खा के देख रहा हूँ मैं दही के साथ। फर्स्ट बाइट काफी प्रोमिनेंट फ्लेवर है हींग का एंड मैं आपको इसके अंदर की फीलिंग दिखाता हूँ। ये देखिए मसाले भर रखे इसमें पिट्ठी है दाल की प्लस सौंफ है और काफ़ी सारे मसाले डाल रखे हैं मिर्ची है एंड ये साबुत मिर्ची है मतलब वो पीसी हुई मिर्ची है जो हाथ से पिसते हैं ये बारीक मिर्ची नहीं है। ₹18 की प्लेट है एक प्लेट में एक कचौड़ी और दही आती है। तो सामने स्पून नहीं है आप कचौड़ी को यूज़ कर सकते हैं स्पून दही खाने के लिए। और जो दूध दही का स्वाद है प्योर काफ़ी अच्छा फैट वाला फ्रेश दही हमें तो काफ़ी अच्छी लगी। आई वुड से दिस इज़ वेरी वेरी गुड लेजेंडरी कचौड़ी हींग वाली विद दही। आप भी जब भी जयपुर आओ तो सीधा चले आओ यहाँ से गलियों में और ये खाओ पूरन सिंह जी की कचौड़ी। टाइमिंग कितने बजे तक है रात तक? 8 से 8 तो 12 घंटे है सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। मस्ट हैव इन जयपुर गाइस। यूजली तो ये कोयले में बनाते हैं लेकिन अब क्वांटिटी इतनी कम है कि इनको कोयला हटा के चूल्हे पे बनानी पड़ रही है गैस के। कोविड ने हर एक को इफेक्ट करा है किसी ना किसी तरीके से। एक तो ये जो साउथ चाय इनका रेस्टोरेंट के नाम से साउथ रेस्टोरेंट एंड ये सीएम वाली चाय भी बोलते हैं बिकॉज गहलोत जी एंड जितने भी सीएम है वो यहाँ पे एक बार जरूर आए हुए हैं पीने के लिए। तो इट्स वेरी फेमस विद राजस्थान के सीएम जितने भी है वो आए हुए यहाँ पे ये चाय पीने के लिए। प्योर दूध में भैंस के दूध में बनती है फुल फैट में और उसी का इसमें स्वाद आता है। क्या रुपये की चाय आपकी? कुल्लड़ में 20 रुपये की कुल ठीक है कुल्लड़ में 20 रुपये की और वैसे 15 रुपये की। तो कुल्लड़ में ही लेंगे हम लोग भी। चाय पत्ती कौन सी यूज़ करते हो आप? मंगल टी। ये फेमस ब्रांड है राजस्थान का।
तो वो जो आप कोयले में बनाते हो और इसमें क्या फर्क है टेस्ट का? थोड़ा तो फर्क आता ही होगा। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क आता है, लेकिन हम वो कर लेते हैं, कवर अप मैनेज कर लेते हैं। सबसे मेन तो हमारा कित ये मसाला है, इसमें क्या क्या डलता है? ये इलायची, इलायची पीस, इलायची पाउडर है। 52 ईयर्स पुरानी है ये शॉप। ये है स्पेशल चाय जयपुर की, हर सिटी की अपनी फेमस चाय होती है, और जयपुर की है साहू चाय फेमस कुल्लड़ वाली। तो ये देखिए, ये देखिए, ये अब चाय डाल रहे हैं कुल्लड़ में। कुल्लड़ में बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है चाय का, बिल्कुल मस्त अमेजिंग टेस्ट। तो ये है चाय जयपुर की, ये है स्वाद जयपुर का, प्योर भैंस के फुल फैट में बनी हुई चाय, हाँ प्रॉपरली ब्रूड हुई। अफसोस अभी कोयले की आंच में नहीं बना रहे बिकॉज ऑफ द कोविड, सेल्स कम है। कितना भैया कितना अफेक्टेड है बिजनेस? मतलब 30% ही रह गया, तो 30% ही रह गए। तो शायद जब दोबारा नॉर्मल हो चीज़ें तो फिर कोयले में बनाए। और आप यहाँ पे वेट लाइनें लगती थी यहाँ पे सुबह सुबह, अब थोड़ा कम है, लोगों मन में डर है। तो वी विल से गो कोरोना गो एंड एन्जॉय द जयपुर टी। तो गाइज ये बना रहे हैं रोज़ मिल्क, रोज़ मिल्क ये क्या डाल रहे हैं सर? रबड़ी, रबड़ी देखो गाइज, ये बिल्कुल वही टेक्निक है जो आपको बड़े बड़े बारटेंडर्स और मिक्सोलॉजिस्ट करते हैं। एंड ये तैयार है बढ़िया सा रोज़ मिल्क, रबड़ी मार के ड्राई फ्रूट, प्योर पंजाबी फ्लेवर इन जयपुर। कितने की है सर ये? ये कितने? ये 40 की। और कितनी पुरानी शॉप है आपकी? ये इनको 55 ईयर हो गए, 55 साल हो गए। आप कौन सी जनरेशन हो? हम सेकंड। तो गाइज ये लस्सी बनाने लगे यहाँ पे पहले, लेकिन जो दही के ऊपर मलाई जमी है ना, इस पर इन्होंने डाला है कटा हुआ, फाइनली थिन कटा हुआ बादाम। ये जा रही है बढ़िया स्टाइल से लस्सी। ये देखिए गाइस, बिल्कुल गाढ़ी लस्सी, ठंडी ठंडी सरदार जी की स्पेशल लस्सी। ये है इनकी स्पेशल प्याज कचौरी है, और साइज देखो कितने की है ये? ये 25 25 की है। ये खा ले तो बंदा पेट भर जाए बिल्कुल। और वहाँ पे पीछे समोसे तल रहे हैं, स्पेशल तो आउट ऑफ इंडिया भी जाती है। अच्छा, ये 5 दिन खराब नहीं होती। दाल हींग की कचौरी, दाल हींग की कचौरी, दाल हींग कचौरी, वेरी गुड, वेरी गुड। ये दुबई और यूएसए तक जाती है। ग्रेट सर, ग्रेट। तो गाइस हमें लस्सी भी ये काफ़ी मज़ा आया, सरदार जी बड़ी चंगी लस्सी बना देने। एंड रखते हैं साथ में प्याज कचौड़ी, दाल हींग कचौड़ी, रोज़ मिल्क, बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का। एंड ये सिर्फ मात्र 35 रुपये की इतनी बढ़िया कुल्लड़ में आपको मिलती है ये लस्सी। तो चलते हैं नेक्स्ट जगह पे और देखते हैं और क्या है ब्रेकफास्ट ऑप्शन जयपुर के अंदर। तो गाइस हम खा रहे हैं मोट चाट, यानी स्प्राउट्स की चाट।
तो अगर आप चाहो तो रोड पे भी बिल्कुल हाइजीनिक फूड खा सकते हो, हेल्दी फूड भी खा सकते हो। तो ये जो स्प्राउट्स होते हैं इसमें वाटर कंटेंट और प्रोटीन कंटेंट सबसे अच्छा होता है। घर पे भी लोग खाते हैं लेकिन बाहर दिल्ली में काफ़ी मिलता है। हम एक ये स्मॉल स्ट्रीट वेंडर है जयपुर के, ये बना रहे हैं। इसमें इन्होंने आलू काट के डाला है अभी, अब ये इसमें डालेंगे थोड़ा कांधा। ये 20 रुपये का भैया। अब देखिए इसमें ये डाल रहे हैं लाल मिर्च, जीरा पाउडर डाला है इन्होंने, ये काला नमक है। देखो जब भी कोई हेल्दी चीज़ बनाओ तो उसमें नमक की जगह काला नमक डालो, काफ़ी संपूर्ण स्वाद आता है। ये डाला नींबू थोड़ी एसिडिटी ऐड करने के लिए, वो खटास जो आपको अच्छी लगती है। इमली और अमचूर का पानी है ये, वाह मज़ेदार। और ये बन गई है बढ़िया सी, ओनली 20 रुपीज़, नो सबवे सैलेड एंड यू गेट अ मील। बहुत बढ़िया, ये है हमारा इंडिया। हमें इस वक्त चौड़े रास्ते पे एंड आपको मेकिंग दिखाई हमने इसकी। तो ये एक स्मॉल स्ट्रीट फूड वेंडर है एंड देखो हाइजीन का पूरा ध्यान रख रहे हैं, मास्क लगा रखे हैं इन्होंने। ये SBI बैंक के साथ वाली गली में ये सामान बेचते हैं, हैंड सैनिटाइजर का प्रोविजन है 20 रुपये में, मस्त। ये हमने अभी आपके आगे बनवाया है। भैया से बात करते हैं, जब लॉकडाउन में कितने दिन दुकान बंद रखी आपने? 3-3.5 महीने। 3.5 महीने, तो कैसे काम चल रहा है आपका? तो स्मॉल स्केल बिजनेस है, बिल्कुल कम है अभी तो, बिजली अभी कम है। पहले आप दिन में कितने बेच लेते रहिए? पहले आप दिन में बेचते थे 200 प्लेट, 200 प्लेट, अब मैक्सिमम 40 प्लेट या 45 से 50 के बीच। और आपकी प्राइसिंग भी काफ़ी रीजनेबल है जो आप सामान डाल रहे हो। तो क्या इधर 35 साल हो गए हमारे मामा जी लगाते हैं। अच्छा, सन 1985 से। तो क्या वजह, लोग जैसे लॉकडाउन, तो मान लो अब लॉकडाउन तो रहा नहीं, सब घूम रहे हैं, लेकिन लोग खा क्यों नहीं रहे स्ट्रीट फूड पे? एक्चुअली भैया मैम भैया देखो एक तो लोगों में डर बैठा हुआ है। अच्छा, बड़ी प्रॉब्लम ये डर। अच्छा, खाने से तो क्या मीडिया वालों की तरफ से या जो भी मीडिया में जो एक डर बैठ जाता है। हाँ जी, आज अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ या किसी को भी कोरोना हुआ, एक डर बहुत बड़ी चीज़ है। डर बहुत बड़ी, डर क्या है लोगों में फैल गया। अच्छा, जनरली आदमी क्या है, नॉर्मल आदमी जो मार्केट में घूमता है वही खा पाता है, बाहर की पब्लिक आ नहीं रही है, ना स्टूडेंट है ना कुछ है, इसलिए मार्केट बिल्कुल है नहीं। और आप हाइजीन का क्या क्या ध्यान रख रहे हो? हाइजीन में मास्क रखते हैं और सारी चीज़ें हम क्या मसाले भी मतलब खुद ही पीसते हैं घर में। मेरी रिक्वेस्ट गाइज ये है कि जो लोग देखो हमने आके इनसे पूछा, आप शक में मत रहो, पूछो कि आप कैसे हाइजीन मेंटेन करते हो, मैं पूछ लेता हूँ। और पसंद आए आपको हाइजीन, मन ठुके तो खाओ, राइट। एंड अगर हर कोई ध्यान रख रहा है तो काम हर एक का है। तो लेट्स ब्रिंग बैक द स्ट्रीट फूड बैक इन अ वेरी हाइजीनिक वे। एंड आई थिंक गवर्नमेंट के भी नॉर्म्स है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे हैं जयपुर में मेगा से। तो गाइस आई होप डर निकल जाए लोगों के मन से कोरोना का, अब कोरोना के साथ ही जीना जैसे ही मोदी जी ने कहा है।